नम्रता और शिष्टाचार, हम्बलनेस एंड एटिकेट्स, कठिन शब्दार्थ, विचार करना, उत्पन्न करना, बनाना, अभद्र व्यवहार, बुरी आदतें और कार्य अप्रशंसनीय, प्रसिद्ध, सभी के द्वारा चाहने वाला, नम्रता, शिष्ट व्यवहार, खींचना, बड़ा करना, आत्मनियंत्रण, दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा स्वयं पर काबू रखना, आदर्श, किसी व्यक्ति के कार्यों को प्रेरणा बनाना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार व्यवहार करता है यह उस व्यक्ति की प्रकृति बताता है। ध्यान रखो कि व्यक्ति का स्वभाव ही अच्छी या बुरी आदतें हैं। अच्छी आदतें विकसित करने के लिए आवश्यक है दयालु हृदय, इससे सद्गुण उत्पन्न होते हैं। हमें विश्वास करना चाहिए और विश्वासी होना चाहिए। सर फिलिप सिडनी के जीवन का प्रसिद्ध उदाहरण है। जब वे युद्ध के मैदान में घायल पड़े थे तब किसी ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया, लेकिन तुरंत उन्होंने दूसरे सैनिक को पानी दे दिया और कहा, तुम्हें मुझसे अधिक जरूरत है। इतने दयालु थे सर फिलिप। हमें अपने मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। हमारा चेहरा सदैव प्रसन्न होना चाहिए। यह लोगों का अभिवादन करने का सबसे सुहाना तरीका है। हमें चाहिए लोगों के साथ आनंद करना, स्वयं की दूसरों को प्रसन्न रखने की शक्ति पर विश्वास, अच्छे मित्र बनाना। इस प्रकार व्यवहार के अनुसार एक दूसरे से मित्रता रखना महत्वपूर्ण है। हमें इस रास्ते में अपना अहम या क्रोध नहीं लाना चाहिए, यह अच्छे आचरण की नींव है। मुख्यतः अच्छा व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है। यद्यपि प्रत्येक देश में व्यवहार का अपना तरीका होता है, परंतु लोगों का अभिवादन करने का तरीका समान होता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी व्यक्ति को जानने के लिए आवश्यक है। उसके बाद औपचारिकताएं। एक अभद्र व्यक्ति दूसरों से सम्मान नहीं पाता, न ही वह किसी का आदर्श होता है, लोकप्रिय नहीं रहता। लोग ऐसे व्यक्ति से कतराते हैं, किसी सामाजिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं होता। आज की कुछ सभ्यताएं तुम्हारे पौत्रों को पुरानी लग सकती हैं, इसलिए हमें रीति रिवाज व शब्दों को यथासंभव संजो कर रखना चाहिए। सोचो, तुम्हें जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया गया है। पार्टी में तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि तुम किसी के लिए भी खाने को कुछ न छोड़ो और जल्दी जल्दी खाने लगे या लड़ना शुरू कर दो तो तुम्हें दोबारा आमंत्रित नहीं किया जाएगा। सामान्य नम्रता। प्रत्येक व्यक्ति को शांति व एकतापूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता में काम आए। दयालुता से नम्रता आती है। लोगों की भावनाओं को समझने से तुम उन्हें समझ सकते हो। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कुछ सामान्य शिष्टाचार हैं, अपने पड़ोस के बुजुर्गों या बड़ों का अभिवादन। अभिवादन करना, अपने पड़ोस के बुजुर्गों या बड़ों को अभिवादन करना। उदाहरण के लिए, हेलो सर, आप कैसे हैं? जब तुम अपने माता पिता, बड़ों या शिक्षकों से घर, बस या ट्रेन में मिलो तो उन्हें बैठने की जगह दो। यदि तुम किसी समूह में हो और तुम देखते हो कि तुम्हारा सहपाठी अकेला खड़ा है तो उसे भी शामिल करो। पंक्ति में खड़े व्यक्ति से आगे मत जाओ। व्यक्ति के लिए आत्मनियंत्रण बहुत आवश्यक है। यह शिष्टाचार नहीं कि तुम किसी से बिना वजह गुस्सा हो जाओ। विद्यालय या घर पर सामान मत फेंको। यदि तुम कोई खिलौना या पुस्तक चाहते हो तो माता पिता से प्रार्थना करो। किसी वस्तु को लेने से पहले कृपया और लेने के बाद धन्यवाद कहना अच्छी आदत है। क्या आप जानते हैं, अब्राहम लिंकन बचपन में इतने गरीब थे कि सोने के लिए पलंग भी नहीं था, फिर भी वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यह उनके आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम का फल था। अच्छे व्यवहार के कारण तुम आराम महसूस करते हो। इसे हम अपने विश्वास के कारण प्राप्त कर सकते हैं। सिर ऊपर रखकर लोगों से बिना डर के मिलो। किसी व्यक्ति की आवाज द्वारा ही प्रशंसा या चोट पहुंच सकती है, इसलिए आवाज में मिठास रहनी चाहिए।
जोर से बोलने के कठोर प्रभाव होते हैं। बात करते समय इन बातों की ओर ध्यान दीजिए। लोग आपकी बातों का आनंद लें। स्पष्ट बात करनी चाहिए। छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। बात को लंबा न खींचें। लंबे वाक्य बोलकर लोगों को न उबाएं। क्या आप जानते हैं, खाली बर्तन अधिक शोर करता है। किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई अपंग व्यक्ति दिखाई दे तो उसका मजाक न बनाएं, बल्कि तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। यदि तुम्हारा कोई मित्र अयोग्य है तो उस पर मत चिल्लाओ, उसे अपने समूह में शामिल कीजिए। लोगों को खुश रखने की कला मूल्यवान है। हमें अपने आसपास के व्यक्तियों से खुशी से मिलना चाहिए। यह हम घर से ही शुरू कर सकते हैं। निम्न बातों को अपनाइए। अपने माता पिता का कहना मानो। यदि तुम्हारी माँ कुछ काम के लिए कहे तो उत्तर दो, ठीक है माँ, सिर्फ ऊँ न करें। स्कूल जाते समय तुम्हारे पिता घर पर हैं तो जाते हुए कहिए, फिर मिलेंगे। अगर तुम्हारे घर में नौकर हैं तो उनके साथ क्रूरता का व्यवहार न करें। घर पर व विद्यालय में जो भी बड़े कहें उसे ध्यान से सुने। अपने मित्र से पूछे बिना उसकी पुस्तकें, पेंसिल, रबर इत्यादि न लें। अपने माता पिता और शिक्षक की बातें सुनिए। वे तुम्हें बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। उन पर चिल्लाना बुरा आचरण है। फोन पर वार्तालाप। जब आप अपने मित्र को फोन करें तो याद रखें कि हो सकता है कि वह सो रहा हो, पढ़ रहा हो या शौचालय में हो। तुम्हें नहीं पता होता कि वह कहाँ होगा, इसलिए निम्नलिखित बातों को न करें। सुबह फोन न करें। तुम्हारा मित्र स्कूल के लिए तैयार हो रहा होगा। अधिक रात में फोन न करें। हो सकता है तुम्हारा मित्र सो रहा हो। भोजन के समय पर फोन न करें। कभी भी बात इस तरह शुरू न करें, कौन बोल रहा है। हमेशा पहले अपना नाम बताएं, उसके बाद जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हो उसके बारे में पूछिए। जैसे, क्या मैं रिक्त स्थान से बात कर सकता हूँ। सामान्य व्यवहार। बस या ट्रेन में जोर से बात न करें। अपनी ओर किसी का ध्यान आकर्षित न करें। बाहर जाते समय भड़कीले कपड़े न पहनें, शालीन वस्त्र पहनें। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलते समय किसी को धक्का न दें। ट्रैफिक के मुख्य रास्ते पर समूह में न चलें। नो पार्किंग सिग्नल पर अपना वाहन पार्क न करें। खेल भावना। क्या तुमने सुना है कि कोई ये कहे कि अच्छे खिलाड़ी बनो, इसका क्या अर्थ है। हमें अच्छी भावना रखनी चाहिए। खेल अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, यह एक खिलाड़ी का व्यवहार है। यह व्यक्ति की खेल भावना दर्शाता है। अच्छी खेल भावना के लिए आवश्यक गुण हैं सम्मान, आत्मनियंत्रण, सच्चाई, नियमों को स्वीकारने और अनुसरण करने की इच्छा। सामान्य व्यवहार। अच्छी भावना से जीतने या हारने की क्षमता। खेल हो या पढ़ाई, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, किंतु यदि परिणाम अपेक्षित न हो तो निराश नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए। हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब व्यक्ति के चरित्र को दृढ़ करते हैं। क्या आप जानते हैं, जीतना मायने नहीं रखता बल्कि खेलना मायने रखता है। यदि आप हार जाएं तब भी खुश रहना चाहिए। उसके लिए रेफरी, मौसम या प्रतिद्वंदी को दोष नहीं देना चाहिए। ये तुम्हारी स्कूल टीम और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से भी लागू होता है। यदि तुम हार जाओ तो चेहरा लटका कर मत रखो, न ही रो। खेल भावना के विपरीत व्यवहार मत करो। ऐसा मत करो, विपरीत टीम के खिलाड़ी को दोष देना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना, रेफरी की आलोचना। अच्छी खेल भावना अच्छा व्यवहार भी सिखाती है। तुम्हें अच्छा खिलाड़ी बनना चाहिए। घर पर भी यदि तुम्हारा भाई कोई कार्यक्रम देखना चाहे तो उसे देखने दो। अपने पड़ोसियों पर दया करो। टीवी या रेडियो तेज आवाज में मत चलाओ। क्या आप जानते हैं, अच्छे व्यवहार से अच्छे मौके मिलते हैं।
इससे दूसरों के साथ खुशहाल संबंध